भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बसंत पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता सरस्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो बसंत पंचमी की कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बसंत पंचमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको बसंत पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है, जिसे श्री पंचमी, सरस्वती जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी एक प्रकार का अबूझ मुहूर्त होता है, यानी बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या नया काम आप शुरू कर सकते हैं। पंचमी तिथि का आरंभ वर्ष 2024 में 13 फरवरी 2024 मंगलवार की दोपहर 2:43 से हो जाएगा, जो कि 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन दोपहर 12:10 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी, अपरान्न व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी वो 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसलिए बसंत पंचमी का महापर्व 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। सभी को इसी दिन माता सरस्वती जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। बसंत पंचमी का महापर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का अवतार हुआ था, उनका प्रागट्य हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी का महापर्व इस दिन मनाया जाता है। 14 फरवरी की सुबह 7:01 से लेकर के दोपहर 12:35 तक सरस्वती पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मां सरस्वती को रोली, चंदन, पीले और सफेद रंग के फूल, हल्दी, पीली मिठाई और अक्षत समर्पित करें। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सभी भक्तजन माता सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और भगवती सरस्वती मां को पीले रंग के पुष्प भी अर्पण किए जाते हैं और भोजन के रूप में, भोग के रूप में पीले रंग के चावल या पीले रंग की मिठाई भी इस दिन बनाई जाती है। पीले रंग के चावल को केसरिया भात भी कहा जाता है। इसके बाद पूजा के स्थान पर किताबों की, पुस्तकों की स्थापना करके उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। कलम या दवात की भी इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए व्रत भी रखें, यानी एक समय भोजन करके व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें। माता सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित करें, उन्हें अक्षत पुष्प समर्पित करें। साथ ही सरस्वती माता की आरती करें और मां का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करना चाहिए। पौराणिक वसंत पंचमी के विषय में बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर के अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वीणा के माध्यम से वाणी प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती जी को वाग्धीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजित किया जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की भी देवी है।
बसंत पंचमी के दिन इनका प्रागट्य हुआ है, इसलिए इनका अवतरण दिवस, इनका जन्मोत्सव बसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। पुराणों में बताया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से खुश होकर के उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। इस कारण सभी सनातन धर्म को मानने वाले भक्तजन माताएं बहने वसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला महापर्व है, जिसमें हमारी परंपरा, भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी का सम्मिश्रण है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी का महापर्व बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है और बसंत पंचमी के दिन को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का दिन भी है, जिस दिन से प्राकृतिक सौंदर्य निखरना आरंभ हो जाता है, पेड़ों पर नई पत्तियां, कोपले और कलियां खिलना शुरू हो जाती है, पूरी प्रकृति नवीन ऊर्जा से भर उठती है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह माता सरस्वती का प्रागट्योत्सव है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा उपासना कर उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। इसी दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष त्योहार होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और खिचड़ी बनाने और बांटने की प्रथा कई स्थानों पर प्रचलित है। इस दिन बसंत ऋतु के आगमन होने से कई प्रदेशों में आकाश में रंगीन पतंगे उड़ने की परंपरा भी है। बसंत पंचमी के दिन का एक और विशेष महत्व है कि बसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त और अनसूजा साया भी माना गया है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन नींव पूजन यानी भूमि पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई करना, विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम बिना मुहूर्त देखे आप संपन्न कर सकते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना गया है। भक्त लोग ज्ञान प्राप्ति और सुस्ती, आलस्य एवं अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए बसंत पंचमी के दिन वागधीश्वरी देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, इनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरे शब्द में वसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए माता पिता इस दिन शिशु को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ करवाते हैं। यदि आपका बच्चा अभी तक पढ़ना सीख नहीं पाया है तो इसी दिन से विद्या आरंभ संस्कार करवाना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी का दिन सनातन पंचांग में पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हिंदू पंचांग या कैलेंडर में सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वान्न के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष विद्या में पारंगत व्यक्तियों के अनुसार वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी कारण से वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय माता सरस्वती की पूजा की सकती है, परंतु पूर्वान्न का समय यानी सुबह 12 बजे के पहले पहले का जो समय होता है वो पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
सभी विद्यालयों और शिक्षा केंद्रों में पूर्वान्न के समय ही सरस्वती माता की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सरस्वती पूजा पूरे विधि विधान और मनोयोग के साथ में आपको करना चाहिए। माता सरस्वती का जो भक्तजन बसंत पंचमी के दिन पूजन अर्चन करता है उसे सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती है तथा माता सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। प्रातः काल स्नान करके बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहने मां सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखे, उसके बाद कलश की स्थापना करके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पंचोपचार विधि से पूजन अर्चन करके माता सरस्वती का ध्यान करें। जो ध्यान का मंत्र हम आपको बोल करके सुनाएं, उसी मंत्र से आपको माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिभिर् देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लं ब्रह्म विचार सार पार मां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माता सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन एवं स्नान कराएं, माता का श्रृंगार करें। माता श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े पहनती है, इसलिए माता सरस्वती को सफेद कपड़े पहनाना चाहिए। प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। सफेद फूल माता को अर्पण करें। उसके बाद नवग्रह का भी आप चाहें तो पूजन अर्चन कर सकते हैं। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह का भी पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को पुष्प एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य सौभाग्य श्रृंगार की वस्तुएं भी समर्पण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी समर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करती है, उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर केसर या भात यानी मीठे चावल का भी भोग लगाया जाता है। पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद सरस्वती पूजा संपन्न होने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन भी करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर सवा हाथ चारों तरफ नाप करके एक निशान बना लेना चाहिए। इसे कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क करके पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी या पलाश की अच्छी तरह से लकड़ियां बिछा लेवे और कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम सरस्वती नमः इस महामंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन की भस्म सरस्वती माता को समर्पित करने के बाद स्वयं लगाना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजन करने के बाद षष्ठी तिथि को सुबह के समय माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करने का भी विधान है।
संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो उनको विसर्जित कर देवे, और धातु की प्रतिमा है तो उनको अपने घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर देना चाहिए। सरस्वती माता की पूजा अर्चना करने के बाद सरस्वती चालीसा या महामंत्रों का जाप भी करना चाहिए। सरस्वती जी के कुछ मंत्र है जिनको आप यदि बसंत पंचमी के दिन अपनी सुविधा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप करेंगे तो निश्चय ही माता सरस्वती की भरपूर कृपा आपके ऊपर होगी। पहला मंत्र है ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपा विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद तीसरा मंत्र है ओम ऐं रिम श्रीम वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां सर्वविद्यां देहि दापय दापय स्वाहा। एकाक्षर जो सरस्वती मंत्र है उसमें लिखा हुआ है ओम रिम ऐं रिम सरस्वत्यै नमः। पांचवा मंत्र है वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिमाता च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रकांति दाशां भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं व्यापठेन्नरः जिह्वाग्रे वस्ते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपा विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। यदि आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई का पाठ बसंत पंचमी के दिन अवश्य करना चाहिए। जेहि पर कृपा करही जन जानी कवि उर अजिर नचावही वानी मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल उठ करके बच्चों को अपनी हथेलियां देखनी चाहिए और हथेलियों का दर्शन करते हुए इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथों को देखते हुए कहना चाहिए तराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार अपने मुंह पर हाथ फेर लेवे यानी हथेली के मध्य में मां सरस्वती का निवास होता है जिनको देखना मां सरस्वती के दर्शन के बराबर माना गया है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ करके अपने हाथों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जिन बच्चों में हकलाने या बोलने में परेशानी हो वो बांसुरी के छेद से शहद भर करके उसे मोम से बंद करा करके श्रद्धा और विश्वास के साथ उस बच्चों के हाथ से ही वाग देवी को समर्पण करके जमीन में उस बांसुरी को गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की जो बोलने की समस्या है या हकलाने की समस्या है या तुतलाने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बसंत पंचमी के दिन अपनी किताबों लेखन सामग्री के साथ बसंत पंचमी के दिन मोर पंख उसमें अवश्य रखना चाहिए। इससे पढ़ने में मन लगेगा और आपकी बुद्धि और आपकी विद्या में वृद्धि होगी। बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए इस दिन बसंत पंचमी से ही औषधि स्वरूपिणी ब्राह्मी का सेवन करवाना चाहिए या शंख पुष्पित जैसी मेघावटी का सेवन भी आरंभ करना चाहिए। बच्चों के अलावा जिन लोगों को बोलने में दिक्कत आती है उन्हें बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सामर्थ्य अनुसार पूजा करने के बाद पुरोधा की सहायता लेकर के जीभ को तालू में लगा करके बीज मंत्र एम का यथाविधि जाप करना चाहिए। एम एम इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में देवी की पूजा करके प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाता है।
लेकिन ध्यान रखें, धातु की प्रतिमा को विसर्जित न करें। मिट्टी की प्रतिमा यदि आपने विसर्जित की है तो अति उत्तम है। विद्यार्थी मां सरस्वती की पूजा करके गरीब बच्चों में कलम दवात पुस्तकों का दान करें। संगीत से जुड़े व्यक्ति अपने साज पर तिलक लगा करके मां की आराधना करें। वह माता सरस्वती को बांसुरी भेंट करना चाहिए। बसंत पंचमी के पूरे दिन आप अपने किसी भी नए कार्य का आरंभ कर सकते हैं। ये एक स्वयं सिद्ध और श्रेष्ठ अबूझ मुहूर्त माना गया है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें आगे चल करके आपको उन्नति तथा प्रगति ही प्राप्त होगी। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। उसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रागट्य हुआ। यह प्रागट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। सरस्वती को वाग्धीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की प्रदाता देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की भी देवी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती वाजे भर वजितनी धिनामत्री यवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इसीलिए हम सभी भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों में भी बसंत पंचमी का महापर्व बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। बोलिए सरस्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सरस्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप बसंत पंचमी के निमित्त हमारे माध्यम से पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस हेतु नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके बसंत पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।